हाय, जागरण जोश सप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता कृष्णन और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट रूलिंग, जिसमें कोर्ट ने कहा कि सीजीआई ही मास्टर ऑफ रोस्टर है। सीजीआई के पेट गठन के अधिकार यानी मास्टर ऑफ रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिका को 6 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये याचिका वरिष्ठ वकील और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने दायर की थी। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दी कि सीजीआई ही मास्टर रोस्टर है, ऐसे में इसमें कोई और संकेत या विवाद नहीं होना चाहिए। दरअसल शांति भूषण ने सीजीआई पर मनमाने ढंग से शक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से 52 दिशा निर्देश तय करने की मांग की थी। साथ ही यह भी कहा था कि सुनवाई पीठों के गठन में सीजीआई कलेजियम से परामर्श किया करे। दूसरी तरफ के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भूषण के इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एक व्यक्ति में शक्ति निहित रहना ही ठीक है, कई लोगों में शक्ति निहित रहने से अव्यवस्था फैलेगी। अब समझते हैं कि मास्टर रोस्टर होता क्या है। मास्टर ऑफ रोस्टर थ्योरी के तहत चीफ जस्टिस को अधिकार है कि वो जजों के बीच केसों का आवंटन कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस की भूमिका सभी जजों के बीच में एक प्रमुख की होती है और उन पर मामलों को बांटने का विशिष्ट दायित्व होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वे उनके नेता हैं और प्रवक्ता हैं। बेंच ने यह भी कहा कि संविधान मुख्य न्यायाधीश के मुद्दे पर चुप है, लेकिन परंपरा और अभी तक के फैसलों में सभी के द्वारा माना गया है कि चीफ जस्टिस बराबरी में सबसे पहले है। इसीलिए ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि मामलों के आवंटन में चीफ जस्टिस का मतलब कोलेजियम है। बेंच ने इसके बाद अशोक पांडे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया कि चीफ जस्टिस एक इंस्टीट्यूशन के रूप में है। बेंच ने आगे कहा कि सीजीआई ही केसों का बंटवारा करे, यही सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि अगर केसों का बंटवारा कोलेजियम तय करेगा तो कई जज ये कहेंगे कि ये केस उन्हें दिया जाए जिससे हितों में टकराव होगा। इसीलिए ये मांग अव्यवहारिक है और इसे माना नहीं जा सकता। बेंच ने आगे कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स तथा मनोज पांडे से संबंधित मामले के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि जब मुकदमों के आवंटन की बात हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश के कोलेजियम के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठों का गठन करने और कामकाज का बंटवारा करने सहित पीठों का संयोजन करने के लिए नियम निर्धारित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। वकील अशोक पांडे की याचिका को खारिज करते हुए सीजीआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवा चंद्रचूड की पीठ ने कहा था कि इस संस्था के प्रमुख सीजीआई हैं और न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों मामलों में शीर्ष अदालत के सुचारू ढंग से कामकाज करने के लिए उनके पास प्रशासनिक शक्तियां हैं। डीवाई चंद्रचूड ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस संस्था के प्रमुख के तौर पर मुख्य न्यायाधीश पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही हम इस हफ्ते के करंट अफेयर्स वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट को www.jagranjosh.com और डाउनलोड करें हमारे जागरण जोश करंट अफेयर्स ऐप को।